नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं राशिद अली। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इससे खास कर जुड़ा है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि रमजान एक पाक महीना है और रमजान में पूरे महीने कितनी शिद्दत से इबादत की जाती है। हर नौजवान एक बचपन की जो उम्र होती है, सीमा होती है, उसे पार करने के बाद पूरे रोज़े उस पे वाजिब होते हैं, पूरे रोज़े वो रखता है और एक महीना दिल से खुदा की इबादत करता है। और ये सभी पर वाजिब हो जाता है जो बचपन के बाद सभी रखते हैं। मैं भी रखता हूँ आपकी दुआओं से, और सभी पूरे रखते हैं। अगर एक भी रोज़ा छूट जाए तो शायद उसके दिल को बड़ा दर्द होता है और वो पूरी कोशिश करता है, भले ही वो कितना बीमार क्यों ना हो, भले ही कोई बुज़ुर्ग हो। और बुज़ुर्ग अपनी बीमारी के हाल में भी ये कोशिश करते हैं कि उनसे रोज़ा ना छूटे, उनसे एक भी, एक महीने में एक भी रोज़ा ना छूटे। इतने ज़रूरी होते हैं ये रोज़े कि एक साल में एक महीने के लिए आते हैं और उस महीने में दिल से इबादत करते हैं और एक महीने में एक भी रोज़ा नहीं छोड़ते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं, बहुत से लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। और इस एक रोज़े की बदौलत वो ये भी कहते हैं, अगर एक रोज़ा छूट गया तो इसकी भरपाई मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। उनकी इबादत में इतना दम होता है, इतना उनके दिलों में विश्वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक रोज़े की तोड़ने की कीमत क्या होती है? वो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी रोज़ा अपना तोड़ना नहीं चाहेगा, भले ही कितने आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक वो ये सोचता है कि अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो तब जाकर कोई ऐसा करता है, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि एक रोज़ा रखने वाले इंसान ने एक रोज़ा, अपना रोज़ा क्यों तोड़ दिया। ना तो उसे कोई बीमारी थी, ना उसे भूख प्यास लग रही थी, ना वो बुज़ुर्ग था और ना उसे गर्मी का एहसास हो रहा था, फिर क्यों उसने रोज़ा तोड़ा? आखिर क्या उसे ज़रूरत पड़ी कि उसने रोज़ा तोड़ा? ये मैं आपको दिखाऊंगा और आप इसे देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जो लोग आपसी बंटवारा चाहते हैं। आप उन लोगों को अपने तरीके से, आप किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे या आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे और आप ये सोचेंगे कि शायद हमें ऐसा ही होना चाहिए, एक हमें इंसानियत की मिसाल पेश करनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कराता हूँ खबर से रूबरू, आखिर इस आज के ज़माने में एक कैसे रोज़ेदार ने कैसी मिसाल पेश की है। रोज़ा तोड़ने के नाम पर आपको गुस्सा तो ज़रूर आया होगा कि आखिर रोज़ा क्यों तोड़ा, लेकिन जब आप वजह जानेंगे तो शायद आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आप फ़क्र से कहेंगे कि हाँ, मैं रोज़ेदार हूँ। और अगर हमें भी मौका मिलेगा ऐसा, तो हम भी ऐसा ज़रूर करेंगे। कराता हूँ मैं आपको खबर से रूबरू, आप देख सकते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, नेकियों का महीना, लोग रोज़ा रखते हैं, सूरज निकलने के बाद से लेकर डूबने तक कुछ खाते पीते नहीं, सहरी करते हैं और शाम को रोज़ा तोड़ते हैं। और उसके बाद इस खास महीने के दौरान एक बहुत ही अच्छा सा वाक्य सामने आया है। वाक्य है, देहरादून के एक आदमी ने अपना रोज़ा तोड़ा। आखिर ये क्यों तोड़ा, ये मैं आपको बताऊंगा। देहरादून में आरिफ खान नाम के एक शख्स ने एक अपरिचित आदमी के लिए, यानी कि जिस इंसान को वो जानते भी नहीं थे, आरिफ खान, एक तो ये होता है कि हाँ, हमारे जानने वाला, उसे मदद की दरख्वास्त है और हम जल्दी से जाएं उस पे, उसके साथ जो भी उसे जो भी ज़रूरत है वो हम उसकी पूरी करें। तो उसने, और एक ऐसा शख्स जो कि रोज़ेदार है और वो एक ऐसे इंसान की मदद कर रहा है जिसे वो जानता तक नहीं है। आप देखें खबर की गहराई यों तक जरा आप जाएं। आरिफ नाम के शख्स ने एक अपरिचित आदमी की जान बचाने के लिए अपना रोज़ा तोड़ दिया। अजय बिजलवाण नाम का एक 20 साल का लड़का, आईसीयू में भर्ती था, यानी कि एक नौजवान, 20 साल का एक नौजवान
अजय के लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। इसके चलते वो उनके खून में मौजूद प्लेटलेट्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। जब किसी इंसान के शरीर से कटने फटने की वजह से खून बहने लगता है, तब प्लेटलेट्स खून को जमा कर बहने से शरीर से बाहर निकलने से रोकते हैं। इसलिए उनकी संख्या बहुत मायने रखती है। डॉक्टरों ने कहा कि जल्द खून का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना जान को भी खतरा हो सकता है, यानी कि अजय बिजलवाण की जान को खतरा हो सकता है। खून चाहिए था ए पॉजिटिव। बहुत ढूंढने के बाद भी उस ब्लड ग्रुप का कोई खून नहीं मिला। जी हाँ, ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव बहुत ही कम होते हैं, मेरा भी नहीं है। और इसीलिए अस्पताल में जो कि सब ढूंढने लगे, प्लेटलेट्स को माइक्रोलीटर में मापा जाता है। एक स्वस्थ आदमी के शरीर में प्रति माइक्रोलीटर 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। बात करें बीते दिन तक की, तो अजय के शरीर में उन प्लेटलेट्स की संख्या 5,000 से भी कम हो गई थी, यानी कि 1.5 से 4.5 लाख, और यहां संख्या हो गई थी मात्र 5,000 से भी कम, यानी कि आप 1% मात्र उसमें जान रही होगी, जो भी ऊपर वाले की सीधी नजर होगी। इसलिए हालांकि जान बच गई, प्लेटलेट्स की संख्या 5,000 से भी कम हो गई। अपने घर वाले उस अब घर वाले परेशान होने लगे थे, तभी उन्हें किसी ने सलाह दी कि उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों से मदद मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया एक तरफ जहां हार्मफुल होता है, इतना हानिकारक होता है, नफरत फैलाने में पीछे नहीं हटता, तो आप ये ताज़ा उदाहरण देखिए जो एक बेमिसाल है और एक मिसाल कायम करता है। अजय के पापा ने, उनके पिता ने फौरन उनकी बात मानी और अपनी समस्या सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों से मदद की गुहार लगाई। उनकी ये पोस्ट नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के अध्यक्ष आरिफ खान को व्हाट्सएप पर मिली। आरिफ इस दौरान रोजे से थे। उन्होंने अजय के घर वालों द्वारा शेयर किए नंबर पर फोन किया और पूछा कि अगर डॉक्टरों को कोई दिक्कत ना हो तो वो खून दे सकते हैं। डॉक्टरों का कहना था कि बिना खाए पिए वो खून नहीं दे सकते। कुछ भी खाने पीने का मतलब था कि आरिफ को अपना रोजा तोड़ना था। लेकिन आरिफ बिना इस बात की परवाह किए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचे और खाना खाकर अजय के लिए ब्लड डोनेट किया। जब आरिफ ने उनके इस कदम के बारे में पूछा तो आरिफ से उनके इस कदम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, रमजान में जरूरतमंदों की मदद करने का बड़ा महत्व है। मेरा मानना है कि अगर हम भूखे रहकर रोजा रखते हैं और जरूरतमंद की मदद नहीं करते तो अल्लाह कभी खुश नहीं होंगे। मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि मैं किसी के काम आ सका, उन्होंने ऐसा कहा। और शायद ये हर रोजेदार के लिए बहुत ही फख्र की बात होगी कि उसे किसी की मदद करने का मौका मिला। आखिर जब हम में इतनी समझदारी है और इतना भाईचारा है, तो फिर क्यों देश में बदले की भावना रखी जाती है? फिर क्यों देश को बांटा जाता है? क्यों ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे नफरत फैलाई जा सके? आप देख सकते हैं कि एक रोजेदार ने रोजा तोड़कर किस तरह अपरिचित की मदद की। और ये केवल एक मजहब से नहीं है, बल्कि हम तमाम ऐसे दूसरे समुदाय के लोग देखते हैं जो कि नवरात्र के पाक महीने में अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जो कि आपसी सौहार्द बढ़ाते हैं, और दोनों मंदिर बनती है, मस्जिद बनती है, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसी ऐसी मिसालें सामने आती हैं। यानी कि जब लोग इतना खुश हैं और जब लोगों के लिए दिल में इतनी जगह है एक दूसरे समुदाय के लोगों के लिए, जब कोई हिंदू मुस्लिम की भावना ना हो, बस भाईचारा हो, तो आखिर ऐसे में भाईचारा कहाँ से पीछे हो जाता है? कई दशकों से चले आ रहे मुद्दे को, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर क्यों भड़काया जाता है? क्यों उसका कोई ऐसा हल नहीं निकाला जाता कि जो सभी लोगों के काम आए, सभी वर्गों के काम आए, सभी समुदाय के काम आए? क्यों उसका ऐसा कोई हल नहीं निकाला जाता जिससे सभी समुदाय के लोग सहमत हों? उस पर जरूरी कोई ऐसा स्थल बनना जो कोई विवाद उत्पन्न करे, कोई ऐसा स्थल उत्पन्न किया जाए जो कि सभी के काम आए। हाल ही में आपने
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा देखा, गुरुग्राम में नमाज पढ़ने का मुद्दा देखा। आखिर ये क्या मुद्दे हैं? ये वही तो मुद्दे हैं जो हम में से आप हमारे बीच नफरत फैलाते हैं, और ये ऐसी हसीन घटनाएं जिनके आने के बाद भाईचारा और बढ़ जाता है। ज़रूरत है ऐसे ही भाईचारे की, और हिंदुस्तान भी तरक्की इसी बात से करेगा जब हमारे बीच आपसी भाईचारा बढ़ेगा। देशभक्त मज़हब के नाम से नहीं बल्कि उसके नाम से तोलो, उसके काम से तोलो। किसी के मज़हब से देशभक्ति नहीं झलकती, उसके काम से देशभक्ति झलकती है। अगर ये बात हर इंसान को समझ आ जाए तो शायद बदले की भावना हो। और कुछ लोग जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बांटते हैं, और उन लोगों को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, और ऐसी हसीन घटनाओं से कुछ सीखना चाहिए और आपसी भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.